इस कहानी की शुरुआत में हमें राया को दिखाया जाता है जो एक बंजर जमीन में ट्रेवल करते हुए आखिरी डेगन की तलाश में जा रही होती है। वो हमें बताती है कि आज से 500 साल पहले कुमांद्रा जो कि एक ड्रैगन के आकार की नदी थी, वहाँ इंसान और ड्रैगन मिलकर रहा करते थे। ड्रैगन इंसानों की मदद करते और ये दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन तभी एक दिन शेडो डेमन ड्रोन ने हम पर हमला कर दिया, जो किसी भी इंसान या ड्रैगन को छूकर उसे पत्थर में तब्दील कर देता। ड्रोन की संख्या लगातार बढ़ती गई, क्यों जैसे ही एक इंसान को शिकार बनाता तो उनकी संख्या दो हो जाती। सभी ड्रैगन ने ड्रोन को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहे। मगर आखिरी ड्रैगन सिसु ने हार नहीं मानी और अपने भाइयों की पावर से बनी मणि की मदद से सभी ड्रोन को खत्म कर दिया, जिससे पत्थर बने इंसान वापस से ठीक हो गए। मगर ड्रैगन ठीक न हो पाए और आखिरी ड्रैगन सिसु भी कहीं गायब हो गई और बची तो सिर्फ वो आखिरी मणि, जिसे पाने के लिए सभी ट्राइब के लोग आपस में लड़ने लगे और कुमांद्रा 5 भागों में डिवाइड हो गया, जिनके नाम फेंग, हार्ट, स्पाइन, टेलोन और टेल थे। मणि को सुरक्षित रखने के लिए हार्ट कबीले के मुखिया बेंजा ने उस मणि को कहीं छिपा दिया। फिर अब हमें राया के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जो बेंजा की बेटी होती है। वो अपने फ्रेंड टुक टुक के साथ सभी ट्रेप को पार करते हुए उस सीक्रेट जगह पर पहुंच जाती है जहां शिशु की मणि रखी हुई थी। मगर तभी बेंजा वहां पर आ जाते हैं। राया उन्हें कहती है कि मैं जानती हूं कि मुझे रोकना आपका काम है, लेकिन आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। तो बेंजा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें ड्रैगन मणि के चक्र में पांव नहीं रखने दूंगा, और अगर तुमने उस चक्र में पांव रख दिया तो तुम जीत जाओगी। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन राया बेंजा से नहीं जीत पाती। मगर जब वो नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राया ने चक्र में पांव रख दिया है, जिससे वो खुश होते हैं और राया को बताते हैं कि सदियों से हमारे परिवार ने इस मणि की रक्षा की और अब तुम भी इस मणि की रक्षक हो। राया इससे खुश होती है। फिर वो वापस महल में आ जाते हैं जहाँ बेंजा राया को बताते कि मैंने बाकी ट्राइब के लोगों को आज डिनर पर बुलाया है। तो राया उन्हें कहती है कि वो सब तो हमारे दुश्मन है। तो बेंजा उसे बताते हैं कि वो हमें दुश्मन समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिसु का इरा हमें खुशहाली देता है, मगर ये सच नहीं है। फिर वो राया को समझाते हैं कि हम सभी पांचों राज्यों का नाम ड्रैगन के एक अंग पर है, क्योंकि पहले हम सब एक हुआ करते थे जिसका नाम था कुमांद्रा। लेकिन ये दोबारा मुमकिन हो सकता है अगर हम एक दूसरे का विश्वास करें, और मेरा विश्वास है कि हम जल्दी एक होंगे। इसीलिए मैंने इसकी पहले शुरुआत की है और सभी को खाने पर बुलाया। तो राया भी उनकी बात समझ जाती है और अब सभी राज्यों के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। बेंजा उन सभी का स्वागत करते हुए बताते हैं कि हम सदियों से दुश्मन रहे हैं, लेकिन आज हम सब कुछ बुलाकर वापस कुमांद्रा बन सकते हैं, लेकिन सभी इसके लिए तैयार नहीं होते। राया देखती है कि वहाँ फेंग राज्य की राजकुमारी नमारी भी वहाँ पर आई होती है, जो राया से दोस्ती कर लेती है। और अब सभी लोग खाना खाने के लिए अंदर आ जाते हैं। नमारी और राया साथ में ड्रैगन की बातें कर रहे होते हैं। नमारी राया से कहती है कि लोगों का मानना है कि सिसु अभी भी जिंदा है, और उसे अपना एक मैप दिखाते हुए बताती है कि सिसु ने जब ड्रोन को हराया था तो नदी में गिर गई थी और बहती हुई कहीं गायब हो गई। इसीलिए माना जाता है कि सिसु नदी में ही कहीं न कहीं सो रही है, और अगर वो मिल जाए तो सभी पहले जैसा हो जाएगा। और नमारी राया को अपना ड्रैगन लॉकेट देकर उसका दिल जीत लेती है। राया इससे खुश होती है और उसे यकीन हो जाता है कि नमारी दिल की बहुत अच्छी है, इसीलिए वो उसे सिसु की पवित्र मणि दिखाने के लिए सीक्रेट मंदिर में ले जाती है, जो पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था। नमारी मणि देखकर खुश होती है और राया से कहती है कि तुमने हमारा काम आसान कर दिया, और वो उसे हिट करके दूर गिरा देती है। तो राया भी उससे फाइट करने लग जाती है, मगर राया लड़ने में बहुत तेज होती है, इसीलिए नमारी उससे नहीं जीत पाती और अपने कबीले वालों को बुलाने के लिए एक फायर सिग्नल आसमान में छोड़ देती है, जिससे रानी वीराना अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। तभी बेंजा भी उन्हें रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सिसु के हीरे की रक्षा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बाकी कबीले के लोग भी आ जाते हैं, जो हीरे को पाने के लिए बहस करने लगते हैं। बेंजा सभी को कहते हैं कि हम सब मिलकर एक हो सकते हैं और बेहतर दुनिया बनाकर वापस कुमांद्रा बन सकते हैं। लेकिन सभी कबीले के लोग मणि पाने की चाह में अंधे हो चुके थे, इसीलिए वो बेंजा पर तीर से हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं और आपस में मणि लेने के लिए लड़ने लगते हैं, जिससे वो मणि गिरकर टूट जाती है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। मणि के टूटते ही ध्रुण वापस से जिंदा हो जाते हैं और वो लोगों को वापस से पत्थर बनाने लगते हैं। ये देखकर बेंजा अपनी बेटी को बचाने के लिए एक मणि के टुकड़े को उठा लेते हैं, क्योंकि उनमें अभी भी जादू बचा था, जिससे ध्रुण डर रहे होते हैं। ये देखकर सभी कबीले के लीडर एक एक टुकड़े को उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बेंजा देखते हैं कि ध्रुण पानी से डरते हैं और वो नदी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो घायल होने
की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और दून लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बेंजा राया से कहते हैं कि अब मणि की रक्षक तुम हो और तुम ही वापस सभी को बचा सकती हो। और उसे मणि का टुकड़ा देकर पानी में फेंक देते हैं। राय से काफी इमोशनल हो जाती है और दून बेंजा को भी पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। फिर अब हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ राया टेल राज्य में शिशु की तलाश कर रही होती है। वो देखती है कि वहाँ के लोगों को भी दून ने पत्थर बना दिया। वो अपने पेट टुकटुक पर सवारी कर रही थी जो काफी बड़ा हो चुका था। राय अपने आखिरी लोकेशन पर पहुंचती है जहाँ नदी समाप्त हो रही थी। तभी द्रोण उन पर हमला कर देता है, लेकिन राय किसी तरह मणि के टुकड़े की मदद से खुद को बचा लेती है। फिर वो टुकटुक के साथ उस नदी के आखिरी छोर पर आ जाती है जहाँ वो एक टूटे हुए जहाज के अंदर जाती है, लेकिन टुकटुक अंदर नहीं जा पाता। राय वहाँ नमारी के मैप और पेंडेंट की मदद से शिशु को पुकारती हुई कहती है कि मैंने तुम्हें हर एक नदी में ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली, इसीलिए अगर तुम मुझे सुन रही हो तो मेरी मदद करो क्योंकि अब बहुत कम लोग जिंदा बचे हैं। तभी वहाँ पानी ऊपर उड़ने लगता है और शिशु वहाँ प्रकट हो जाती है। ये देखकर राया बहुत खुश होती है। राया उसे बताती है कि तुम आज 500 साल बाद जागी हो और उसे पूरी बात बताती है जिससे शिशु परेशान हो जाती है। तो राया उसे कहती है कि मेरे पास एक टुकड़ा है और क्या तुम वापस एक मणि बना सकती हो। तो शिशु उसे बताती है कि मैं कोई महान ड्रैगन नहीं हूँ क्योंकि मैंने मणि को नहीं बनाया था बल्कि मेरे भाइयों ने मुझे इसे इस्तेमाल करने के लिए दिया था। और उस मणि को छूते ही शिशु चमकने लगती है। शिशु से बताती है कि मेरी छोटी बहन अम्बा का जादू है और हर ड्रैगन के पास एक जादू होता है जैसे तैरना मेरा जादू है। इससे राय समझ जाती है कि मणि के टुकड़ों में शिशु के सभी भाई बहनों के जादू है, इसीलिए अगर सभी टुकड़े हासिल कर ले तो शिशु के पास सबकी पावर आ जाएगी और वो वापस से मणि को जोड़ सकती है जिससे द्रोण भाग जाएंगे। वही हमें नमारी को दिखाया जाता है जो राया से अपना ड्रैगन पेंडेंट वापस लेने के लिए उसके पीछे होती है और वो भी उस जहाज तक पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले ही राया टुकटुक और शिशु के साथ वहाँ से निकल चुकी थी। वो पूंछ भूमि के राज्य में पहुंचते हैं जहाँ वो सभी ट्रैप से बचते हुए पूंछ के मुखिया की गुफा में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो मुखिया ट्रैप में फंसकर खुद ही मारी गई थी। राया वहाँ बड़ी चालाकी से एक लकड़ी को ट्रैप में फंसा देती है और मणि के दूसरे टुकड़े को हासिल कर लेती है और उसे शिशु को दे देती है जिससे वो इंसान में तब्दील हो जाती है। शिशु खुश हुई उसे बताती है कि मेरी दीदी प्राणी का जादू है और अब हम आसानी से बाकी के 3 टुकड़े भी हासिल कर लेंगे। तो राया उसे कहती है कि टुकड़ा पाना आसान था लेकिन बाकी के ट्राइब वाले बहुत ही बदमाश और बुरे हैं। तभी नमारी भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ जाती है मगर वो शिशु को नहीं पहचान पाती क्योंकि वो इंसानी रूप में थी। वो राया से कहती है कि तुम मणि के टुकड़ों को क्यों चुरा रही हो, लेकिन राया उसे कुछ नहीं बताती। तो राया को पकड़ने आने लगती है लेकिन राया ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है जिससे नमारी और उसके साथी रेत में दब जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर राया शिशु के साथ वहाँ से निकल जाती है और टुकटुक पर बैठकर वहाँ से भागने लगती है। नमारी भी अपने साथियों के साथ उनका पीछा करने लग जाती है। राया नदी के पास पहुँचती है जहाँ उसे नाव दिखाई देती है और वो शिशु से कहती है कि द्रोण और बिल्लियों की एक कमजोरी है कि वो दोनों पानी से डरते हैं। यह कहकर राया पानी में जंप लगा देती है और वो सभी एक नाव में बैठ जाती है जिस नाव का कप्तान बून नाम का लड़का होता है। राया उसे कहती है कि हमें टेलोन राज्य में पहुँचना है, लेकिन वो मना कर देता है। तो राया उसे पैसों का लालच देती है क्योंकि नमारी और उसके साथी उनकी तरफ आ रहे थे। बून टेलोन राज्य चलने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसकी नाव बहुत धीरे चल रही थी। यह देखकर शिशु पानी में कूद जाती है और अपने तैरने के हुनर का इस्तेमाल करके बहुत ही स्पीड से उस नाव को वहाँ से भगा ले जाती है जिससे अब नमारी उसे नहीं पकड़ पाती। वही शिशु अब इतने सालों बाद पानी में आकर बहुत खुश होती है। राया उसे कहती है कि तुम्हें अपने असली रूप में बून के सामने नहीं आना चाहिए। तो शिशु उसे कहती है कि वो सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन राया उसे कहती है कि इंसान बहुत लालची होते हैं, इसीलिए तुम मणि के टुकड़े मिलने तक इंसान बनी रहो। तो शिशु भी उसकी बात मान लेती है और इंसानी रूप में वापस बाहर आ जाती है और वो साथ में खाना खाने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें रात हो जाती है जहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारे दून नजर आते हैं, लेकिन वो पानी की वजह से उनके पास नहीं आ सकते थे। बून राया को बताता है कि मैं दून से बचने के लिए हमेशा नाव में रहता हूँ, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आती कि आखिर ये द्रोण कौन है और कहाँ से आए। तो शिशु से बताती है कि द्रोण इंसानों के झगड़े से जन्मे शैतान है जो सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। बून उन्हें बताता है कि द्रोण ने हमसे हमारा परिवार छीन लिया तो सभी अपनों के खोने के गम में नदी में फूल डालते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो टेलोन पहुंच चुके हैं जो एक बहुत ही बड़ा पानी में बसा हुआ राज्य होता है जिसकी वजह
से ही द्रोण अभी तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। राया शिशु को बताती है कि यहाँ के लोग बहुत बदमाश है और मैं जानती हूँ कि मणि का अगला टुकड़ा टेलोन के मुखिया के पास है, इसीलिए मैं अकेले जाकर उसे हासिल कर लूंगी और तुम यही रहकर मेरा इंतजार करोगी। और वो टुक टुक के साथ टेलोन राज्य में चली जाती है, मगर रास्ते में उसे एक रोती हुई छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसे राया उठा लेती है, जिसका नाम नोई होता है। लेकिन ये नोई की एक चाल होती है और उसके बंदर दोस्त टुक टुक पर चढ़कर मणि के दो टुकड़े लेकर वहाँ से भागने लगते हैं और नोई भी राया पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर राया को गुस्सा आता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है, मगर वो लड़की और बंदर बहुत तेज होते हैं जो बहुत तेजी से भाग रहे थे। लेकिन राया टुक टुक की मदद से उन्हें पकड़ लेती है और अपने मणि के टुकड़े वापस ले लेती है। राया नोई से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और एक लंगूर उसे इशारों में बताता है कि वो पत्थर बन गए, तो राया उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेती है। नोई अपने दोस्तों के साथ सैनिकों का ध्यान भटकाती है जिससे राया मुखिया के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ मुखिया नहीं बल्कि कोई और होता है जो उसे बताता है कि मुखिया काफी पहले पत्थर बन चुके हैं और वो मणि का टुकड़ा एक बूढ़ी चोरनी के पास है जिसका नाम डेंगू होता है। वही हमें शिशु को दिखाया जाता है जो बाजार में पहुंच जाती है और वहाँ से तोहफे लेने लगती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते इसीलिए दुकानदार उसे घेरने लग जाते हैं। तो शिशु उन्हें कहती है कि मैं सब उधार में ले रही हूँ और इनके पैसे मेरी दोस्त राया दे देगी जिसके पास पैसे हैं, और वो गलती से मणि के टुकड़ों का भी नाम ले देती है जिससे वो बूढ़ी चोर उसे अपने साथ ले जाती है। वो शिशु से कहती है कि मैं तुम्हें मुखिया के पास लेकर जा रही हूँ, इसीलिए उसे पानी से दूर एक टापू पर ले जाती है जहाँ द्रोण मौजूद होते हैं। वो शिशु से कहती है कि मुझे बता दो कि तुमने बाकी के टुकड़े कहाँ रखे हैं, वरना द्रोण तुम्हें खा जाएंगे। शिशु से कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था। तभी राया वहाँ पर आ जाती है जो उस बूढ़ी चोर यानी डेंगू से मणि का टुकड़ा लेकर शिशु को बचा लेती है। उस मणि को छूते ही शिशु के पास धुएं की पावर आ जाती है, जो पावर उसके भाई जगान का जादू होता है। फिर वो वापस से नाव पर आ जाते हैं जहाँ पर नोई भी अपने ओंगिस बंदर दोस्तों के साथ खाना खा रही होती है, क्योंकि राया ने उससे वादा किया था कि मदद के बदले वो उसे खाना देगी। और अब वो सभी साथ में इस फाइन राज्य की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में शिशु बहुत दुखी होती है क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए राया से कहती है कि इंसान बहुत झूठे होते हैं। तो राया उसे कहती है कि दुनिया तबाह हो चुकी है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, मगर मेरे डैड सोचते थे कि हम एक होकर वापस कुमांद्रा बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि बाकी कबीले के लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। तो शिशु से कहती है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तो राया कहती है कि मैंने कोशिश की और नमारी से बचपन में दोस्ती की, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और उसकी वजह से ये सब हो रहा है और मैं बस अपने पापा को वापस लाना चाहती हूँ। तभी बून उन्हें बताता है कि हम स्पाइन राज्य पहुँच चुके हैं। स्पाइन राज्य एक ठंडा बांस का जंगल होता है जहाँ बहुत ही लंबे चौड़े योद्धा परसों से अपने राज्य की हिफाजत करते थे। शिशु कुछ फल लेकर स्पाइन के मुखिया से मिलने के लिए भागने लगती है क्योंकि वो राया को साबित करना चाहती थी कि अगर हम किसी पर भरोसा करें तो हमारे दोस्त बन सकते हैं। राया उसे रोकने जाती है, मगर शिशु स्पाइन राज्य के द्वार को खटखटाती है जिससे वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उनकी जब आँख खुलती है तो दोनों रस्सी से बंधे हुए होते हैं। तभी स्पाइन के मुखिया टोंग उनके सामने आ जाते हैं, जो उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ मणि का टुकड़ा चुराने आए हो, क्योंकि तुम्हारे पास तीनों टुकड़े हैं और अब मैं तुम्हें इस काम की बहुत बुरी सजा दूंगा। लेकिन जब राया उससे पूछती है कि तुम हमें क्या सजा दोगे, तो टोंग के पास कोई जवाब नहीं होते, जिससे राया समझ जाती है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है। तभी बून और नोई अपने दोस्तों के साथ टोंग पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं और वो सब उसे रस्सी से बांध देते हैं। तभी वहाँ नमारी अपनी सेना लेकर राया को पकड़ने के लिए आ जाती है क्योंकि उससे सारे मणि के टुकड़े छीना चाहती थी, इसीलिए वो राया को बाहर बुलाती है। राया वहाँ देखती है कि स्पाइन के सभी योद्धा पत्थर बन चुके हैं और अब टोंग अकेला बचा है। टोंग उसे बताता है कि मेरे लोग द्रोण से लड़े लेकिन उनसे नहीं जीत पाए और पत्थर बन गए। राया सभी मणि के टुकड़ों को शिशु को दे देती है और कहती है कि नमारी मुझे पकड़ने आई है, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ उलझा कर रखूंगी और तुम सब यहाँ से निकल जाना और कुछ देर बाद मैं भी वापस आ जाऊंगी। फिर वो टोंग से कहती है कि मेरे दोस्तों को बचाने में मदद करो, तो टोंग भी मान जाता है और राया अपने प्लान के मुताबिक बाहर आ जाती है। नमारी राया से लड़ने लगती है, इसका फायदा उठाकर राया के सभी दोस्त दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, मगर राया नमारी से हार रही होती है। शिशु जब राया की हालत देखती है तो ड्रैगन बनकर राया को बचाने आ जाती है और वहाँ धुएं की पावर का इस्तेमाल करके सभी को चकमा देती है, लेकिन नमारी उसे देख लेती
जाती है और वो शिशु को देखकर बहुत हैरान होती है। राया के दोस्त भी ये सब देखकर हैरान होते हैं। फिर राया अपने दोस्तों के साथ वहाँ से बहुत दूर निकल जाती है। टोंग और बाकी सब शिशु के सामने सर झुकाते हुए कहते हैं कि हम भी आपकी दुनिया को बचाने में मदद करना चाहते हैं। और टोंग अपनी मणि का टुकड़ा भी शिशु को दे देता है, जिससे शिशु के पास पानी की पावर आ जाती है, जो उसके पेंगू भैया का जादू था। शिशु पानी के जादू की मदद से हवा में उड़ने लगती है। सभी से खुश होते हैं और अब सिर्फ उन्हें फेंग राज्य से आखिरी मणि हासिल करनी थी, इसीलिए फेंग राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में राया सभी को अपना प्लान बताती है कि फेंग राज्य पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम वहाँ घुसपैठ और सैनिकों पर हमला करके मणि का आखिरी टुकड़ा हासिल कर लेंगे। लेकिन शिशु से कहती है कि तुम्हारा आइडिया बेकार है और उन्हें अपना प्लान बताती है कि मैं तोहफा लेकर नमारी के पास जाऊंगी और उसे दोस्ती कर लूंगी, जिससे वो मुझे मणि का आखिरी टुकड़ा भी दे देगी। सभी उसकी तरकीब से बहुत हैरान हो जाते हैं और शिशु से कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया बेकार है, क्योंकि फेंग राज्य के लोग धोखेबाज है और उनकी वजह से ये सब हुआ। राया भी उसे कहती है कि नमारी ने मुझे धोखा दिया था। तो शिशु राया को अपने साथ ले जाती है ताकि वो दूसरों पर विश्वास करना सीख सके। वो उसे आठ राज्य के उस किले में लेकर जाती है जहाँ पहले मणि रखी हुई थी। शिशु से बताती है कि यही 500 साल पहले मेरे भाइयों और बहनों ने मिलकर मणि बनाई थी, जिसे उन्होंने मुझे दिया, जिससे मैं सभी को वापस जिंदा कर पाई। लेकिन ये सब मेरे और मेरे भाइयों के विश्वास की वजह से हुआ, इसीलिए तुम्हें भी नमारी पर भरोसा करना होगा, जिससे तुम अपने बाबा के साथ साथ उनके सपने को भी पूरा कर पाओगी कि हम वापस कुमांद्रा बनेंगे। राया भी अब शिशु की बात मान लेती है। वही हमें नमारी को दिखाया जाता है, जो जब वापस अपनी माँ के पास लौटकर उन्हें बताती है कि हमने आखिरी ड्रैगन शिशु को देखा और वापस मणि जोड़कर सभी को बचा सकती है। तो रानी वीरानों से कहती है कि अगर सब वापस आ गए तो जो कुछ भी हुआ उसका वो हमें ही दोष देंगे, क्योंकि हमारी वजह से मणि टूटी थी, इसीलिए हमें शिशु के साथ साथ उन मणि के टुकड़ों को भी हासिल करना होगा, जिससे हम साबित कर पाएंगे कि हमने ही सभी को बचाया है। वही नोई और उसके बंदर दोस्त नमारी के पास मिलने का मैसेज पहुंचा देते हैं और वो एक काम बहुत ही सावधानी से छिपते छिपाते करते हैं, जिससे सैनिकों को उनके बारे में पता नहीं चलता। नमारी को उसके मैसेज में ड्रैगन पेंडेंट भी मिलता है और अब वो राया से मिलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके लिए वो आसमान में एक संकेत देती है। राया शिशु से कहती है कि जब तक हमें मणि का आखिरी टुकड़ा नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें छिपे ही रहना होगा। फिर राया नमारी से मिलने जाती है, जो मणि के टुकड़े को नीचे रखकर राया का दिल जीत लेती है, जिससे शिशु भी वहाँ जाती है। मगर तभी नमारी उसे वापस धोखा देती है और शिशु की तरफ तीर पॉइंट कर देती है और राया से कहती है कि शिशु और मणि के टुकड़ों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तभी राया के बाकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं। राया भी अपनी तलवार निकालने लगती है, लेकिन शिशु उसे ऐसा करने से मना करती है और वो नमारी का भरोसा जीतने की कोशिश करती है। लेकिन अभी भी नमारी टीगर से हाथ नहीं हटाती, इसीलिए राया उस पर हमला करती है, जिससे तीर शिशु को लग जाती है और वो इंजर्ट हुई पानी में गिर जाती है। सभी से काफी परेशान हो जाते हैं और नमारी अपनी मणि का टुकड़ा लेकर वहाँ से निकल जाती है। और अब आखिरी ड्रैगन शिशु के मरने की वजह से सारा पानी सूखने लगता है, जिससे बवंडर फेंग राज्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। राया भी फेंग के किले में नमारी से बदला लेने के लिए पहुंच जाती है और उसे लड़ने लगती है। वही शहर के सभी लोग दूर से बचकर भागने लगते हैं। टोंग और उसके बाकी दोस्त भी मणि का एक एक टुकड़ा लेकर लोगों की मदद करने लगते हैं। वही राया गुस्से में अभी भी नमारी पर हमला कर रही होती है। नमारी उसे कहती है कि मैं शिशु को मारना नहीं चाहती थी और शिशु को अभी मुझ पर भरोसा था, लेकिन तुमने उस पर भरोसा नहीं किया, इसीलिए तुम भी शिशु की मौत की जिम्मेदार हो। राया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब राया अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों को बचाने लगती है। लेकिन उन मणि के टुकड़ों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। नमारी भी राया का साथ देती है, मगर वो सभी नीचे खाई में धस जाते हैं और अब द्रोण उन पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं और उन मणि के टुकड़ों का जादू भी खत्म हो रहा था। राया को शिशु की बात याद आती है और वो सभी से कहती है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करके इन मणि के टुकड़ों को जोड़ना होगा। लेकिन सभी कहते हैं कि शिशु अब जा चुकी है। तो राया उन्हें कहती है कि शिशु ने कहा था कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, जिससे ही सब कुछ ठीक होगा। और राया अपने मणि के टुकड़ों को नमारी को दे देती है, जिससे वो पत्थर में तब्दील हो जाती है। और अब राया के सभी दोस्त भी अपना अपना टुकड़ा नमारी को दे देते हैं, जिससे वो सभी पत्थर में तब्दील हो जाते हैं। नमारी इससे काफी इमोशनल हो जाती है और उन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है, मगर जादू नहीं होता और वो भी पत्थर में तब्दील हो जाती है। मगर अब नमारी पर किए भरोसे की वजह से वो मणि वापस से जगमगा उठ
उठती है और सारे धुंध को खत्म कर देती है। बारिश भी होने लगती है जिससे सभी इंसानों के साथ साथ ड्रैगन भी वापस से जिंदा हो जाते हैं। राया और नमारी इससे खुश होती है और अब सभी ड्रैगन मिलकर शिशु को वापस से जिंदा कर देते हैं। शिशु सभी के साथ मिलकर हग करती है जिससे वो खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बोन टोंग और नोई अपने अपने परिवार से मिल जाते हैं। राया भी अपने डैड के पास जाती है और उनसे मिलकर बहुत खुश होती है और अब सभी कबीले वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और राया अपने डैड को बताती है कि अब हम सब एक होकर वापस कुमांद्रा बन चुके हैं, जिससे सभी खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।